सो हेलो गाइस, तो फिर से आपका वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातों को। इससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज की पहली अपडेट की बात करते हैं, ये जुड़ी हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंज से। सो फाइनली रेसलमेनिया 40 में जो रोमन रेंज का 1316 दिन का जो टाइटल रेन है वो क्या खत्म हो चुका है एंड कोडी रोड्स बन चुके हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड अपनी रेसलमेनिया 40 की हार के बाद रोमन रेंज काफी सैड दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या पॉल हेमन को क्या हक भी कर रहे थे। एंड अपने इस हिस्टोरिकल टाइटल रेन में रोमन रेंज ने क्या बहुत सारे सुपरस्टार को फेस कर रखा है। एंड आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे इन सभी सुपरस्टार ने क्या रोमन रेंज को फेस करा था उनके टाइटल रेन में। सो 2019 से 2024 तक 5 ही ऐसे रेसलर जिन्होंने रोमन रेंज को पिन कर पाए हैं, जिनमें सेन मकमैन, रोवन, बैरन कॉर्बिन, जेउस एंड कोडी रोड्स का नाम आता है। एंड अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंज के लिए क्या है प्लान फ्यूचर में। क्या रोमन रेंज रेसलमेनिया की हार के बाद इस कंपनी को छोड़ रहे हैं या नहीं। एंड बहुत सारे फैंस ये भी स्पेकुलेट करे कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी में क्या अपना करियर बना सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये सारे रूमर्स क्या गलत है। सो ट्रिपल एच ने रोमन रेंज के फ्यूचर प्लान के ऊपर क्या कमेंट कर रखा है। ट्रिपल एच ने बोला कि रोमन रेंज क्या फुल एक न्यू स्टोरी में जाने वाले जो क्या लोगों के होश उड़ाने वाली है। ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग रोमन रेंज क्या फुल न्यू स्टोरी के साथ क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करेंगे। अगली अपडेट की बात करें, ये जुड़ी है कोडी रोड्स एंड उनके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन की साइड प्लेट से। सो कोडी रोड्स की जो चैंपियनशिप है उसके लिए क्या जो ऑफिशियल साइड प्लेट है वो क्या लगा दिए गए हैं। एंड आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे कोडी रोड्स की जो चैंपियनशिप है उसके न्यू साइड प्लेट्स। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, ये जुड़ी हमारे सेथ रॉलिंस से। सो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस क्या कुछ महीनों के लिए क्या अपना टाइम ऑफ ले सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इसका मतलब ये है कि सेथ रॉलिंस एक या दो महीने तक आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई टीम में क्या नहीं दिखेंगे। अगली अपडेट की बात करें, ये जुड़ी हमारे ब्लड लाइन के न्यू मेंबर जैकब फाटू से। सो जैकब फाटू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सो रैंडी ऑर्टन एंड आईएसओ स्पीड की जो वीडियो जहाँ पे रैंडी ऑर्टन क्या आईएसओ स्पीड को आरक्यू दे रहे वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। एंड सोशल मीडिया पे इसे क्या 112 मिलियन लोगों ने देखा है। इस रील के ऊपर क्या 7 मिलियन से भी ज्यादा लाइक मिले हैं। अगली अपडेट की बात करें, ये जुड़ी हमारे सेल्टिक वॉरियर सेमस से। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेमस बहुत जल्द अपना रिटर्न क्या कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सेमस के अपने इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई टीम में क्या नहीं दिखाई दे रहे थे। सो कोडी रोड्स की रेसलमेनिया 40 में विन के बाद जो कोडी रोड्स के भाई है डस्टिन रोड्स, उन्होंने क्या रिएक्शन आ चुका है। डस्टिन रोड्स ने यहाँ पे लिखा है कि आई लव यू ब्रदर, अब हमारी जो स्टोरी है वो क्या स्टार्ट हो चुकी है। सो नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या पहले से कुछ मैच को अनाउंस कर दिया है। फर्स्ट मैच में जो हमारे एंड्राडे वो क्या फेस करेंगे डेटी डोमिनिक मिस्टीरियो को सिंगल्स मैच में। एंड यहाँ पे जो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी जेन फेस करेंगे चैड गेबल को सिंगल मैच में।